अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सब तरफ ये बातें हो रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के पास अब क्या ऑप्शंस बाकी रह गए हैं। तो नाज़रीन, जो मशवरे इस्लामाबाद में चल रहे हैं और जो उनके साथी इमरान ख़ान साहब को मशवरे दे रहे हैं, वो सारी डिस्कशंस आपके सामने रखेंगे कि कौन कौन सी ऑप्शंस ऐसी हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। कुछ कानूनी ऑप्शंस हैं और कुछ बड़े एग्रेसिव ऑप्शंस हैं। लेट्स सी इमरान ख़ान साहब क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने अभी एक पैगाम जारी किया, इमरान ख़ान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये पैगाम जारी किया कि मैंने कल वफाकी काबीना और अपनी पार्लिमानी पार्टी के अजलास तलब किए हैं, जबकि शाम में कौम से मुखातिब होंगा। कौम के लिए मेरा पैगाम है कि मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं और आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूँगा। खतीनो हज़रात, बज़ाहिर तो इस ट्वीट से ऐसा लगता है कि इमरान ख़ान साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन बज़ाहिर एक ऑप्शन तो रखा हुआ है। हो क्या कुछ सकता है। एक ऑप्शन इस्लामाबाद में ये डिस्कस हो रही है और इसके बारे में बातचीत की जा रही है कि ये जो मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया था, अब वहाँ पे एक स्टैंप लग चुकी है कि बैरूनी मुदाखलत हुई और इसके अंदर इसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जो काबीना की एक ख़ास मीटिंग हुई थी, स्पेशल मीटिंग बुलवाई गई थी, उसके मिनट्स को एंडोर्स किया गया था। यानी जो काबीना की स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी उसके अंदर जो कुछ कहा गया था उसको जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी तो उसके अंदर इंडोर्स किया गया था। खतीनो हज़रात, इमरान खान के पास वज़ीर-ए-आज़म के अख्तियारात मौजूद हैं क्योंकि असम्बलियाँ बहाल हो चुकी हैं। वो असम्बली तहलील नहीं कर सकते और इसकी सिफारिश नहीं कर सकते, अदरवाइज़ उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है बिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर और प्राइम मिनिस्टर, जो कि मुकदमात दर्ज हो सकते हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है और गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, और फिर तहरीकी अदम एतमाद के लिए वोटिंग के लिए पूरे वोट्स मौजूद होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक सवाल होगा। लेकिन मुझे इस चीज़ में, इस ऑप्शन में कोई इस तरह की जान नज़र नहीं आती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हर तरह से बाउंड कर दिया है कि कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, सारे बंदे पहुँचने चाहिए और किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। यानी इस फैसले ने इमरान खान को हाथ पाँव बांध के तहरीकी अदम एतमाद के सामने खड़ा कर दिया है। दूसरा ऑप्शन जो बहुत डिस्कस किया जा रहा है कि इमरान खान साहब एमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं, इसकी आइन में गुंजाइश मौजूद है। अगर वो एमरजेंसी नाफिज करते हैं तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन फौरी तौर पर यह फैसला नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि ऑप्शन बहरहाल मौजूद है कि वह एमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं और अहम तरीन अहदों के तबादले भी कर सकते हैं। इसके अलावा खातिनों हज़रात, तीसरी चीज़ ये है, बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ के हमायती हैं और इमरान खान साहब के दाई भी हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान को निकालने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को खुलकर इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस वक्त इदारों से टक्कर लेने के मूड में नहीं है, और अगर कोई गिला शिकवा है भी तो इमरान खान साहब किसी इदारे के ऊपर कोई हमला नहीं करना चाहते। इस किस्म की किसी भी लड़ाई को या इस किस्म के किसी भी गिले शिकवे को या इस किस्म के किसी भी कैंपेन को वो समझते हैं कि पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, बल्कि फ़ौज के हवाले से तो उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन नहीं चलाएगा, कोई भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। पिछले दिनों फेक अकाउंट्स बनाकर ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई थी और वो पकड़ी भी गई और उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई। एक ऑप्शन के तौर पर खातिनों हज़रात ये बताया जा रहा है कि वो कौम से ख़िताब में अपने इस्तीफ़े का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये उनकी ट्वीट से थोड़ा सा मुतसादम लगता है, क्योंकि इस ट्वीट में बज़ाहिर तो ये नज़र नहीं आता और उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ और आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूँगा। अब इस ट्वीट के हिसाब से ये थोड़ा सा मुतसादम लगता है कि वो कौम से ख़िताब में इस्तीफ़ा दे देंगे। देखें, इस्तीफ़ा देते हुए इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि आप इस्तीफ़ा दें और आप ये कहें कि अमेरिका चाहता था कि मुझे तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से निकाला जाए और ये मेरे वोटर्स की तोहीन है कि जिन्होंने मुझे वोट देकर वज़ीर आज़म बनाया था, लिहाजा मैं उनकी ख्वाहिश पे, उनकी अदम एतमादी पे नहीं निकलता, लेकिन मैं इस्तीफ़ा देके जा रहा हूँ और अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे हुकूमत चलाएँगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देंगे तो उनकी कोशिश होगी कि उनकी पूरी पार्टी भी इस्तीफ़ा दे, यानी उनके साथ जितने भी पार्लिमानी लोग हैं, MNAs, वो सारे इस्तीफ़ा दें। लगभग 150 के करीब इस्तीफ़े तो आ सकते हैं, अगर 150 नहीं तो 135 या 140 के करीब तो आएंगे। अगर 125 से ज़्यादा इस्तीफ़े इमरान खान साहब और उनकी पार्टी दे सकती है
तो वो बड़े लीथल हो जाएंगे। वो ना खुद खेलेंगे और ना खेलने देंगे। वो हर जगह पर हुकूमत का मुकाबला करेंगे, हर जगह पर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, लॉन्ग मार्च अनाउंस करेंगे, वो कुछ भी करेंगे और पाकिस्तान के लिए इलेक्शन का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और ज़िमनी इंतबात के हवाले से वो बड़ा सख्त मौक़ अख्तियार करेंगे। ख़तिन हजरात फैक्ट्स ये बताते हैं कि 30-40% चांसेस ये मौजूद हैं कि वो इस्तीफ़े दे दें। उनका अपना स्पीकर मौजूद है, उनका अपना डिप्टी स्पीकर मौजूद है, तो ये इस्तीफ़े दे सकते हैं उसी वक्त। मिसाल के तौर पर अरकान असम्बली गुजरते जाएँ और वो स्पीकर को अपना नाम दे दे जाएँ और वो इस्तीफ़े मंजूर करता रहे। वो वहाँ पर इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे कि जी इंतबात करवा दें, तो ये बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा। कौमी असम्बली के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाएगा जिसको फिल करना मुश्किल हो जाएगा और इतने सारे हलकों के अंदर री इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अपोजिशन इमरान खान को एक मिनट में निकाल सकती है, लेकिन वो ऑप्शन ये है कि सारी की सारी अपोजिशन इस्तीफ़ा दे और इमरान खान फारग है। वो इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतबात करवा नहीं सकते, लिहाजा उनको घर जाना पड़ेगा और पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होंगे। लेकिन अपोजिशन ने इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, इमरान खान साहब के पास अब भी ये ऑप्शन मौजूद है, चूँकि अपोजिशन ने ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया।